सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। 4 बजे की बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। बाहुबली अतीक अहमद को आज एमपी एमएलए कोर्ट ने आखिर अपना फैसला सुना ही दिया है। 2005 के अपहरण के मामले में उमेश अपहरण के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 आरोपियों के साथ साथ आज अपनी सजा सुनाई है। बता दें कि अतीक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, उसके साथ साथ 3 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसके बाद 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। इसके साथ ही 1-1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़े हैं। विभांशु, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि क्या है, कुछ है ये पूरा मामला। जी नंदनी, आपको बता दें कि अतीक अहमद साथ ही साथ उमेश पाल के जो दुश्मनी है वो लगभग 18 साल पुरानी है। आपको बताया कि 25 जनवरी 2005 को बसपा के विधायक राजू पाल की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, जिसके मुख्य गवाह और चश्मदीद गवाह उमेश पाल थे। आपको बताया कि उमेश पाल को जब वो पूरी तरह से इस मर्डर केस के चश्मदीद गवाह बन के गए तो उन्हें अतीक अहमद कई बार धमकाया, डराया और साथ ही साथ फोन के माध्यम से लगातार उमेश पाल को लगातार धमकी भरे खत भेजता था, साथ ही फोन करता था, जिसके बाद बताया आपको कि उमेश पाल कहीं ना कहीं डरा हुआ था। अब बात की जाए तो उमेश पाल को 28 फरवरी 2006 को उसे गिरफ्त मिले, उसे अपहरण कर और उमेश पाल को अपने चकिया के आवास पर ले जाता है। वहां उसके साथ टॉर्चर रूम में उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है और साथ ही साथ उसे गवाही ना देने की बात कहता है। जिसके बाद आपको बताएं कि उस वक्त अगर देखें तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, ठीक अगर उसके बाद 2006 का ये मामला, उसके ठीक बाद 2007 में समाजवादी पार्टी की करारी हार होती है। उसके बाद अगर बात की जाए तो उमेश पाल पूरी तरह से इस मामले में, जब तक सपा की सरकार रहती, यानी कि 2006 से जब ये मामला शुरू होता है और टॉर्चर रूम में ले जाकर जब अतीक अहमद उसे यातना देता है, उसके ठीक बाद सरकार बदलती है, बसपा की सरकार आती है और वो गवाही देने को तैयार हो जाता है। उसके ठीक बाद आपको बताएं कि अतीक अहमद के जब उत्तर प्रदेश में 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, उस वक्त अतीक अहमद के जो चकिया में जो उसका आवास था, जहां वो टॉर्चर रूम में अपने तमाम दुश्मनों को ले जाकर टॉर्चर करता था, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर देखें तो उमेश पाल को लगभग 3 दिनों तक वो टॉर्चर किया था। और 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है, उसके बाद अतीक अहमद पर कार्रवाइयों की झड़ी की शुरुआत होती है। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री 2007 में मायावती थी, उस वक्त अगर बात की जाए तो उनके द्वारा चकिया का जो आवास था उसे निस्तानाबूद किया जाता है, आधे पूरे आवास की अगर बात करें तो चकिया के आधे आवास को खंडित किया जाता है, तोड़ा जाता है। उसके बाद अगर देखें तो कार्रवाई की पहली ये कड़ी थी। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं देखें तो उमेश पाल को विभांशु, क्या ये पूरा प्रकरण जो है चुनावी रंजिश के चलते किया गया था? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के विधायक थे राजू पाल, उसके चश्मदीद गवाह थे उमेश पाल, और आपको बताएं कि इसमें उनकी तरफ से कोर्ट में हामी दी गई थी कि मैं चश्मदीद गवाह बनकर और इस मामले पर गवाही दूंगा। उसके बाद आपको बताएं कि अगर देखें तो हम वापस लौटे नंदनी, तो जब उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार बनी, उस वक्त अतीक अहमद पर कार्रवाइयों की झड़ी की शुरुआत हुई थी। उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो उमेश पाल लगातार अतीक अहमद के गुर्गों के खिलाफ बोलता हुआ नजर आया, और आज से ठीक अगर बात करें तो लगभग 33 दिन पहले अब प्रयागराज में उमेश पाल की अतीक के गुर्गों और अतीक के बेटों के द्वारा निर्मम तरीके से उमेश पाल की हत्या की कर दी जाती है। तो साफ है कि लगभग 18 साल पहले राजू पाल हत्याकांड के बाद से उमेश पाल और अतीक अहमद की दुश्मनी कहीं ना कहीं बढ़ती रही। समय समय पर उमेश पाल चुप रहा, मगर 2007 के बाद लगातार वो अतीक अहमद पर बोलता रहा, जिसका नतीजा है कि आज से ठीक 33 दिन पहले उमेश पाल को अतीक अहमद के गुर्गों ने मौत के घाट उतार दिया। नंदनी विभांशु, देखा जाए तो ये भी कहा जाता है कि उमेश पाल ने जब बसपा की सरकार बनी, इसके बाद अपनी हिम्मत जुटाई, उसके खिलाफ केस दर्ज करवाया फिर गवाही देने के लिए।
जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो 2006 में उसे अतीक अहमद के गुर्गों के द्वारा गिरफ्त में लिया गया, चकिया में उसे प्रताड़ना दी गई, यातना दी गई। उस वक्त वो कहीं ना कहीं डरा था और गवाही देने से अपने परिवार को रक्षा को देखते हुए वो गवाही देने से कहीं ना कहीं पीछे हटा था। उसके ठीक बाद जब सत्ता में परिवर्तन हुआ तो उसके बाद वो पूरी तरह से न्यायिक प्रक्रिया में अपनी योगदान देते हुए गवाही देने को तैयार हो गया। ठीक उसके बाद अगर बात करिएगा तो माफ करिएगा मैं लगातार 33 दिन बोल रहा हूँ, 32 दिन पहले उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उमेश पाल की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। आपको बताएं कि देखा जाए तो 2007 से और आज से 32 दिन पहले तक उमेश पाल लगातार अतीक अहमद और उसके गुर्गों के खिलाफ बोलने के लिए जाना जाता था और राजू पाल हत्याकांड के मामले में अहम गवाह था। आप देख सकते हैं कि अतीक अहमद के ऊपर लगभग 100 से ऊपर मुकदमे हुए हैं, मगर इतिहास में पहली बार हुआ है कि पहले किसी केस में पूरी तरह से उसे सजा सुनाई गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या अन्य केसों में जो गवाह हैं, जो एविडेंस हैं, क्या वो सामने आते हैं। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। बता दें कि अतीक अहमद के साथ साथ 3 लोगों को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। विधायक राजूपाल हत्याकांड मामले की गवाह उमेश पाल के अपहरण के मामले में माफिया अतीक अहमद समेत 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने आरोपियों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि राजूपाल के परिजनों को देने का निर्देश भी दिया गया है। वहीं कोर्ट के फैसले की सुनते ही बताया जा रहा है कि फूट फूट कर दोनों भाई आपस में रोने लगे थे। वहीं अशरफ जो अतीक अहमद का भाई है उसे बरी कर दिया गया है। और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ गौरव श्रीवास्तव जुड़ेंगे। गौरव, अभी तक क्या 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 मामला हुआ है और क्या क्या कुछ कार्रवाई की गई है? देखिए 2006 का मामला था, 7 में रिपोर्ट दर्ज हुई थी, इसका लगातार ये मामला सरगर्मी में था। उसके बाद जिस तरह देखा जाता है कि अतीक अहमद जो कि लगातार कानून की व्यवस्थाओं की कमजोरी को फायदा उठाते हुए लगातार तारीखों दौर चल रहा था, तारीखों के दौर के अलग यहाँ पर आज सजा हुई है और सजा के बाद जिस तरह से माहौल है, एक नज़ीर पेश हुई है, संदेश गया है कि जराय की दुनिया में आदमी कितना ही मजबूत हो पर कानून के पंजे से बच नहीं सकता है। यहाँ पर कानून के पंजे से बचने वाली बात स्पष्ट हो गई है। जो एक उम्मीद जताई जा रही थी अतीक अहमद को यहाँ पर सजा होगी, वो सजा यहाँ पर हुई है, कहीं ना कहीं एक नज़ीर यहाँ पर पेश हुई है। समाज के लोगों को एक अलग से एक लाभ भी मिला है, एक उनको दिलासा भी मिला है कि अगर कानून के अंदर देर है पर अब देर नहीं है, तो कहीं ना कहीं नंदिनी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्रवाई चलती रही। कार्रवाई चलने के बाद 17 साल का लंबा समय, यानी अगर 6 का मामला था, 1 साल उमेश पाल ने खुद पैरवी की थी, 1 साल पैरवी के बाद यहाँ पर कार्रवाई हुई थी, कार्रवाई के बाद फिर मामला दर्ज हुआ था और दर्ज होने के बाद 17 साल के लंबे अंतराल के बाद ये सजा आई है। और सजा आने के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसके मामले में सजा आई है फिलहाल वही उस दुनिया में नहीं है, क्योंकि बीते 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल की दिन दहाड़े प्रयागराज में हत्या कर दी गई थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ कानून को लेकर भी एक बात उठ रही थी, उसको अलग यहाँ पर एक सजा मिली है और कहीं ना कहीं ये सजा स्पष्ट करती है कि मकान में दर्ज होते हैं तो कानून सजा देना भी जानता है। और यहाँ पर 7 आरोपियों को दोषमुक्त किया गया है, 1 आरोपी की पहले ही मृत्यु हो चुकी है और 3 आरोपी जिसमें अतीक अहमद शामिल है, फरहान शामिल है, यहाँ पर सजा दी गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है उम्र कैद की सजा दी गई है और बड़ी यहाँ सजा है और कहीं ना कहीं ये अतीक अहमद और उनके परिवार के लिए बड़ा यहाँ पर झटका है। जी गौरव, देखा जाए तो एक वक्त था जब अतीक अहमद कई तूती बोलती थी, उसके खिलाफ लोग बोलने से डरते थे, लेकिन जब आज कोर्ट परिसर में पेश किया जा रहा था तो वहां पर उसके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं। जी बिल्कुल नंदिनी, यह वही मैं बात कर रहा था, नजीर आप देखिए कि वो अतीक अहमद जिसके खिलाफ कोई बोलने तैयार नहीं था, वो अतीक अहमद जो जिससे लोग खौफजदा रहते हैं, वो अतीक अहमद जिसके ऊपर सैकड़ों से ज्यादा मुकदमे दर्ज है, वो है अतीक अहमद जिसको 1979 में जराय की दुनिया में कदम रखा था हत्या के बाद। तो कहीं ना कहीं उस अतीक अहमद की खौफजदा था, सांसद रह चुका है और एक तूती बोलती थी, वो तूती आज यहाँ नजर नहीं आई है। अतीक अहमद जब MP MLA कोर्ट में जा रहा था, उस प्रवेश कर रहा था, उस दौरान वकीलों और तमाम वहाँ जनता थी वो अतीक अहमद मुर्दाबाद कि नारे लगा रही है और वहाँ बता रही है अतीक अहमद को फांसी दी जाए। कहीं ना कहीं बताती है कि अतीक अहमद की जो एक सरपरस्ती थी, जो एक ताकत थी, जो खौफ था, कहीं ना कहीं उससे जनता को निजात मिल रही है और सजा के माध्यम से फिलहाल अतीक अहमद को झटका भी है और समाज के लिए एक राय भी है कि अगर खौफ
आतंक करता है तो खौफ की यहाँ पर समाप्त करने का जो विचार होता है, जो क्षमता है, वो हमारे देश के लोकतंत्र में, हमारे देश के संविधान में और हमारे देश के कानून में व्यवस्था है कि हम किसी भी आतंक को खत्म करने का जो बीड़ा उठाते हैं तो खत्म करके रहते हैं। जी मंत्री, गौरव 100 से ज्यादा अधिक मुकदमे दर्ज थे इसके पहले और बताया भी जा रहा है पहली बार दोषी करार दिया गया है, उसके बाद पहली बार सजा भी मिली है। जी बिल्कुल, यहाँ पर मुकदमे दर्ज हुए थे पर सब पे सुनवाई चलती थी, कानून की व्यवस्थाओं का कमजोरी का फायदा उठाकर यहाँ पर तारीखें दी जा रही थी और कहीं ना कहीं ये तारीखों के अलग यहाँ पर पहले मामले में सजा हुई है। ये सजा आतिक अहमद के लिए बहुत बड़ी सजा है क्योंकि यहाँ पर अब मामले और भी खुलेंगे। यूपी सरकार कहना है कि हम माफिया को खत्म कर देंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में स्वयं कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। और 24 फरवरी 2023 को जो घटना हुई है राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल हत्या की जो हत्या की गई है उसके बाद पूरा प्रदेश में सरगर्मी बनी हुई थी और सनसनी थी कि अब यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रौद्र रूप देखने को मिलेगा और बुलडोजर कार्रवाई दो एनकाउंटर के माध्यम से लोग ये जुट चुके हैं। और फिलहाल आतिक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे तमाम माफिया कार्रवाई बताती है कि मुख्यमंत्री जो बोलते हैं वो करते हैं फिलहाल नजर आ रहे हैं। जी गौरव, देखा जाए तो एक तरफ आज फैसला सुनाया गया है, सजा उम्र कैद की सजा मिली है, वहीं दूसरी तरफ उमेश पाल की मां कह रही कि ये फैसला जो है अपहरण के मामले में आया है, हमारे बेटे को इंसाफ तब मिलेगा जब उसकी हत्या के आरोपियों को सजा दिलाई जाएगी। गौरव, एक तरफ जिस आज उम्र कैद की सजा मिली है आतिक अहमद को, वहीं दूसरी तरफ उमेश पाल की मां कह रही है कि ये सिर्फ अपहरण के मामले की सजा है, हमारे बेटे को शांति तभी मिलेगी जब उसके हत्या के आरोपियों को सजा सुनाई जाएगी। बता दें कि आतिक अहमद समेत 3 लोगों को उम्र कैद की सजा मिली है, वहीं उसके भाई अशरफ को जहां से उसे बरेली जेल से प्रयागराज लाया गया था, आज MP MLA कोर्ट ने उसे बरी कर दिया है। माफिया आतिक अहमद पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं लेकिन अभी किसी मामले में उसको सजा नहीं हुई थी, वहीं आज 44 साल बाद पहली बार उसे सजा सुनाया गया है, दोषी करार दिया गया है। 17 साल बाद अपहरण मामले के बाद आज फैसला आया है। 2005 के बहुजन समाज पार्टी के तत्कालीन विधायक राजू पाल हत्याकांड मामले के गवाह उमेश पाल के अपहरण के मामले में आज MP MLA कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। और इसके साथ ही हमारे संवाददाता विवेक शाही हमारे साथ जुड़ेंगे। विवेक, अब इस पूरे सजा का ऐलान कर दिया गया है, इस आगे पर क्या आतिक के वकीलों का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए नंदी जी, इस प्रकार से आज MP MLA कोर्ट में सुनवाई हुई और आतिक अहमद के अलावा और उसके दो साथी दिनेश पासी और हनीफ को भी सजा सुनाई गई है उम्र कैद, इसके अलावा 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी रखा गया है और आतिक के भाई अशरफ और कुल 7 जो अभियुक्त थे उनको जो है वो बरी कर दिया गया, उनके खिलाफ पर्याप्त प्रमाण नहीं मिले उनको बरी कर दिया गया। इसके बाद जिस प्रकार से आतिक अहमद का वकील मीडिया से रूबरू हुए थे, बातचीत की, तो उन्होंने कहा था कि अगर इस मामले में उनके जो पक्ष को राहत नहीं मिलती है तो वो आगे की बात करेंगे, हाईकोर्ट की तरफ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि आतिक के वकील को भी इस बात का आभास था कि इस केस में उसके क्लाइंट को बरी नहीं किया जा सकता, कहीं ना कहीं सजा तो है उनके क्लाइंट को मिलने वाली है, इसलिए पहले ही उन्होंने अपना मन बना लिया था कि वो हाईकोर्ट की तरफ रुक करेंगे। अभी 1 महीने का समय जो है MP MLA की कोर्ट के द्वारा आतिक अहमद को मिला हुआ है ताकि 1 महीने के अंदर हाईकोर्ट में वो अपनी अपील करे, हाईकोर्ट में अपील करके वहाँ सुनवाई करे, उसके बाद देखना होगा कि हाईकोर्ट जो है इस मामले पे जो सुनवाई करता है क्या वो MP MLA कोर्ट की जो सजा है उसको बरकरार रखता है या फिर इसकी इसमें क्या किस प्रकार की सुनवाई करता है। इसके बाद अगर वहाँ से भी आतिक को कोई राहत नहीं मिलती है तो आतिक के वकील का साफ कहना है कि वो उच्चतम न्यायालय तक अपने क्लाइंट को ले जाएंगे और वहाँ जो है न्याय की प्रक्रिया के तहत अपनी बात रखेंगे। विवेक, देखा जाए तो 17 साल बाद अपहरण के मामले में सजा सुनाई जाती है, वहीं उमेश पाल का परिवार इससे ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहा है।
जी बिल्कुल, जिस तरीके देखा जाए कि 100 से ज्यादा मामलों में अतिक अहमद जो है वो 100 से ज्यादा मामलों में अतिक अहमद के ऊपर नामजद की बात आई, लेकिन कभी भी जो है अतिक अहमद पे कोई कार्रवाई नहीं होती। ये पहला मौका है जब से उसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा है, ये पहला ऐसा मौका है जब उसको सजा सुनाई गई है। वहीं अगर बात की जाए उमेश पाल के परिवार का, तो उनकी माँ उनकी पत्नी का सीधे तौर पर कहना है कि अतीक का दूसरा घर ही जेल है। इसके पहले वह साबरमती था, इस बार उसकी घर वापसी हुई है, प्रयागराज के नैनी जेल में लाया गया है। तो कहीं ना कहीं उमेश पाल का परिवार जो है अभी भी आतंकित है कि जेल से भी वो अपने कनेक्शन को, अपने नेटवर्क को चला सकता है। और लगातार जो है उमेश पाल का परिवार, उनकी माँ उनकी पत्नी इस बात की मांग कर रही है कि उम्र कैद से कुछ नहीं होगा, कम से कम फांसी की सजा जो है अतीक अहमद को सुनाई जाए, क्योंकि आतंक का दूसरा पर्याय जो है अतीक अहमद को कहा जाता है। लोग अब भी उससे खौफ खाते हैं और तमाम तरह की चीज़ें हैं। उमेश पाल का परिवार लगातार ये मांग कर रहा है कि वो इस जो सजा सुनाई गई है एमपीएमएलए कोर्ट के द्वारा उम्र कैद की, इससे वो ज़्यादा खुश नहीं है। जब तक फांसी की सजा नहीं हो जाती उमेश पाल का परिवार जो है वो संतुष्ट नहीं होगा। विवेक, देखिए सजा भी मिल गई है, दोषी करार भी दिए गए, इसके बाद आगे की क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी? जिस तरीके से अतीक अहमद को साबरमती जेल से वापस प्रयागराज लाया गया था, वहीं उसके भाई अशरफ को बरेली जेल से वापस लाया गया था। जी बिल्कुल, प्रयागराज के नैनी जेल में ही अतीक अहमद को शिफ्ट किया जाएगा और बाकायदा जो है पूरी निगरानी के साथ अतीक अहमद को रखा जाएगा। इसके बाद एक महीने का समय अतीक अहमद को मिला हुआ है ताकि वो अपनी अपील जो है वो हाईकोर्ट में कर सके। उसके बाद हाईकोर्ट में अपील एक महीने के अंदर करेंगे, फिर वहाँ पर सुनवाई होगी और देखने वाली बात होगी कि हाईकोर्ट इस पक्ष को किस प्रकार से देखता है। क्या हाईकोर्ट एमपीएलएम कोर्ट के द्वारा जो सजा सुनाई गई है उसको बरकरार रखता है या उसकी सजा को बदलता है। वही आज कोर्ट परिसर में देखा गया कि वकीलों की खासी नाराजगी देखी गई, उन्होंने मुर्दाबाद के नारे भी लगाए, फांसी दो की सजा की मांग कर रहे थे। देखिए, अतीक अहमद आतंक का दूसरा पर्याय रहा था। सैकड़ों मामले जो है ऐसे आए हैं जिसमें अतीक का नाम आया है, लेकिन आज तक किसी भी मामले में अतीक अहमद पर कोई कार्रवाई नहीं होती। कई बार लगभग दर्जनों ऐसे केस हुए हैं जिसमें खुद जो जज थे उन्होंने अपने आप को इस इनके मामले से हटा लिया था। तो आप देख सकते हैं कि कितना भयंकर जो है वो आतंक रहा होगा अतीक अहमद का, जब अतीक अहमद अपने चरम सीमा पर था। उसके बाद सत्ता पक्ष का भी लगातार सहयोग था, जब जब भी उसकी पार्टियां जो है वो सत्ते में थी तो राजनीतिक शरण भी अतीक अहमद को मिली हुई थी। इससे जो दबंग कहिए या फिर बाहुबली कहिए, आतंक का दूसरा पर्याय कहिए, या देख सकते हैं इस प्रकार से तमाम लोगों को जिस अपने प्रयागराज वाले चकिया के घर लाता था, उनको टॉर्चर करता था, बाकायदा उमेश पाल को भी टॉर्चर किया था। तो तमाम तरह की चीज़ें हैं, सैकड़ों अपराध के मामले में नाम आ चुका था, लेकिन ये पहला ऐसा मौका है जब कार्रवाई हुई है। और उमेश पाल हत्याकांड में भी जो नामजद हुआ है अतीक अहमद, इसके बाद ये देखा जा सकता है कि जिस प्रकार से सजा सुनाई गई है, ये पहली बार हुआ जब अतीक अहमद को सजा सुनाई गई है। अतीक अहमद जो है पहले भी कह रहा था कि हाईकोर्ट तक वो जाएगा, उच्चतम न्यायालय तक वो जाएगा और अपनी बात जो है न्यायिक प्रक्रिया से रखेगा। तो अतीक अहमद के जो वकील है दयाशंकर मिश्रा, उन्होंने पहले ही आभास हो गया था कि उनको क्लाइंट को यहाँ से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। उन्होंने अपनी प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी और एक महीने के अंदर हाईकोर्ट का वो रुख रखेंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। सीधा रुख करते हैं प्रयागराज, जो हमारे संवाददाता पवन पटेल वहां पर मौजूद हैं। पवन, देखा जाए तो अब दोषी करार भी दे दिया गया, सजा भी मिल गई, क्या कुछ हलचल देखने को मिल रहा है प्रयागराज में? प्रदेश की निगाह है इस पूरे घटनाक्रम के, और आज एमपीएमएलए कोर्ट के जो है फैसले पर टिकी हुई थी। आज जब अतीक अहमद को एमपीएमएलए कोर्ट में दोषी करार दिया गया है और अतीक के साथ दो और लोग हैं जिनको दोषी करार दिया गया है और इन तीनों के ऊपर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी है, तो बिल्कुल ये जो तस्वीरें थी जो सुबह से ही लोगों की निगाहें टिकी हुई थी एमपीएमएलए कोर्ट पर और एमपीएमएलए कोर्ट के फैसले पर, तो निश्चित रूप से जो है लोगों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर भी कही जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से अतीक के काले साम्राज्य से लोग परेशान थे और आज 17 साल बाद उमेश पाल अपहरण कांड को लेकर एमपीएमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई है, तो निश्चित रूप से आज की तस्वीर जो है वो लोगों के लिए बड़ी जो है दुखद कही जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से पूरे घटनाक्रम की बात की जाए तो 2007 से इस घटनाक्रम की शुरुआत हुई थी जब उमेश पाल ने पूरे मामले को लेकर मुकदमा पंजीकृत कराया गया था।
और उसमें करीब 10 लोगों को नामजद किया गया था। हालांकि पूरे घटना के दौरान एक आरोपी की मौत हो चुकी है और 3 आरोपियों को आज एनपीएमएलए कोर्ट ने जो है सजा सुना दिया, उनको पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी है। और ये भी कहा जा रहा है कतीक अहमद को अब साबरमती के जेल में नहीं भेजा जाएगा और नैनी सेंट्रल जेल में ही रखा जाएगा। तो कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अतीक अहमद को रिमांड पर लेने के लिए पुलिस जेजीएम कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगी, क्योंकि बीते 24 फरवरी को जब उमेश पाल को दिन दहाड़े गोली और बम मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था, तो इस पूरे घटना के दौरान अतीक एंड कंपनी का नाम मुख्य रूप से सामने आया था और अतीक तथा अतीक के भाई अशरफ के ऊपर इस हत्या का षड्यंत्र रचने का आरोप भी लगा है। तो निश्चित रूप से उमेश पाल हत्याकांड को लेकर भी पुलिस कहीं ना कहीं अपनी नजरें बनाए हुए है और जिस तरीके से अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया, एमपीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया, हालांकि तमाम अटकलें थी, बीच में तमाम तरह की बातें सामने आई थी, कहीं गाड़ी पटने की बातें आ रही थी तो कहीं इनकाउंटर की बातें आ रही थी, लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने करीब 1300 किलोमीटर का लंबा सफर तय करने के बाद अतीक अहमद को एमपीएमएलए कोर्ट में पेश किया है और आज जिस तरीके से कोर्ट का फैसला आया है तो अतीक और 2 अन्य आरोपियों पर जो है वो आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और उनके ऊपर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। तो निश्चित रूप से ये जो एक बड़ा फैसला आज है वो देखने को मिला है। जी पवन, इस पूरे मामले को लेकर उमेश पाल के परिवार का क्या कुछ कहना है, इस फैसले को वो किस तरीके से देख रहे हैं? जी बिल्कुल, उमेश पाल की जैसे मैंने बताया कि बीते 24 फरवरी को उमेश पाल को दहाड़े गोली और बम मार दिया गया था और उमेश पाल की हत्याकांड में कुछ सिपाहियों की मौत हुई थी। हालांकि ये जो है ट्रिपल हत्याकांड कहा जाएगा क्योंकि उमेश पाल के साथ 2 सुरक्षा कर्मी थी, अपने जान गंवा चुके हैं इस पूरे घटना के दौरान। तो अगर उमेश पाल के परिवार की बात की जाए तो उमेश पाल के परिवार का साफ तौर पर कहना है कि अधिक एंड कंपनी का जितने भी आरोपी हैं उनको फांसी की सजा मिले, उनको मौत के घाट उतारा जाए, तब उनके परिवार को न्याय मिलेगा। लेकिन आज इस तरीके से एमपीएमएलए कोर्ट ने अतीक और 2 अन्य को जो है सजा सुनाई है। हालांकि उमेश पाल की मां ने इस बात को जरूर कहा है कि वो न्यायालय के इस फैसले का वो सम्मान करती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस फैसले से उनका परिवार संतुष्ट नहीं है। उनका परिवार चाहता है कि अतीक के कुर्बे और अतीक के जितने भी दुर्गे हैं उनके ऊपर एनकाउंटर जैसी बड़ी कार्रवाई की जाए। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका पवन। चार बजे की बड़ी खबर में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।